जो ईट राइट मूवमेंट जो स्टार्ट किया है ये वाकई आम आदमी का है, अच्छी बात है, मगर मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ रहा हूँ, खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना चार गुना, तो ये मोमेंट और आगे पहुंच जाएगा। क्योंकि क्या है, देखिए सारे डॉक्टर बैठे हैं, मैं माफी चाहूंगा मगर 18-19 साल से मैं डॉक्टरों को जानता ही नहीं, ना उनकी मानता ना सुनता, क्योंकि मैं बचपन में रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था और 7-8 साल चारपाई पे रहा हूं। डॉक्टरों ने बोला था कि ये बच्चा मुश्किल से एक साल और जिंदा रहेगा, पैर से लेके मैं अपने हाथ से गिलास पानी उठा सकता था। तो एक अम्बल फैमिली से आया, घर वाले कभी यहाँ लेके जा रहे हैं कभी वहां लेके जा रहे हैं, उसके बावजूद मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बोला कि भैया रूमेटिक अर्थराइटिस पे मसाज मत करो। वो दिन में 15-15 बार मसाज करते थे, कभी सर मस्टर्ड ऑयल से, कभी ओलिव ऑयल से, कभी आयुर्वेदिक ऑयल से, कभी घी से। तो लास्ट 15 ईयर से जब से मैं ठीक हुआ, फिर ये मेरी स्टोरी डिस्कवरी ने फीचर की, तो जब से मैं ठीक हुआ हूँ पिछले 18-20 साल से शुद्ध शाकाहारी हूँ और वर्कआउट हर रोज करता हूँ। तो आप सबको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम सब में ढेर सारी पावर है, ढेर सारी ताकत है। अब किसी के अगर कुछ कैंसर भी है, कोई बीमारी भी है, तो मैं उसका इलाज उसकी ब्रेथ थेरेपी से बताता हूँ, हर चीजों करता हूँ। और जिंदगी में जो चीज हमें चैलेंज करती है वही चेंज करती है। वहां से खड़ा हुआ, मालिक की दया से थोड़ा भागा और एक दिन मौका ऐसा आया कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। फिर प्रोफेशनल रेसलिंग में आया तो तुक्का लगा, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर भी बना और कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन बना। मैं कभी बोल नहीं पाता था, आज मोटिवेशनल स्पीकर बना, सरकारी स्कूल में पढ़ा, जो सारे का वो काम कर रहा हूं सर जो करने चाहिए। मगर मैं आप सबसे यही कह रहा हूं कि एक्चुअली सर 5-7 दिन पहले मेरे से एक पत्रकार ने पूछा कि इस इंडिया का हु इज द मतलब सबसे अमीर आदमी कौन है। मैंने कहा भैया मुझे लगता कि मैं ही हूँ। पत्रकार काफी सीनियर था तो उसने थोड़ा सा हंसा कि आप अंबानी अडानी इन सब के बारे में नहीं जानते। मैंने कहा जानता तो हूँ। तो उसने थोड़ा सा मजाक किया और चला गया। 7 दिन बाद सर उसको थोड़ा सा अटैक आया हार्ट में। 12वें दिन ठीक होकर फोन आया कि हाँ यू आर राइट कि भैया सबसे अमीर इंसान वो है जिसकी अच्छी हेल्थ है, और अच्छी हेल्थ है आप और दूसरों को ही मोटिवेट करना है। देखो अपना पेट तो कौवा चिड़िया चींटी सब भरते हैं, अगर हम किसी को आगे बढ़ाने का, किसी को मोटिवेट करने का जरिया बन गए, चाहे ईट राइट में है या फिट इंडिया में, किसी में जिंदगी वही है। तो हमेशा खुश रहो और खुशियाँ दो, सबको मोटिवेट करो, यही हमारा फर्ज है।